इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप लोग अपने स्नैपचैट के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों ने स्नैपचैट की ऐप को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखिए आपके सामने स्नैपचैट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ये जो आपको बटन दिख रहा है ना, इसके ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ से आपने सीधा जाना है अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के लिए राइट साइड पर आपको ये गरारी नजर आ रही है अपनी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सीधा जाना है आई नीड हेल्प। अब ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्पोर्ट्स वाले सेशन में। आई लॉस्ट माई स्नैपचैट के नीचे ये वाला बटन, ये देखें ये वाला बटन दिख रहा है ना, आई नीड हेल्प, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप लोगों ने जाना है मैनेजिंग माई अकाउंट, क्योंकि अकाउंट मैनेज के अंदर जाएंगे ना तब आपका अकाउंट जो है ना डिलीट होगा। तो मैनेज माई अकाउंट के अंदर जाने के लिए दो तरीके हैं, कि यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करें और तीसरा ऑप्शन है मैनेजिंग माई अकाउंट, या फिर यहाँ से ये जो आपको बटन से दिख रहे हैं इसमें ना दूसरी लाइन में आखिरी जिसके ग्लासेस लगी हैं ब्लैक कलर की, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये भी मैनेजिंग माई अकाउंट ही आता है। तो यहाँ पर आने के बाद तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला है हाउ डू आई डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट और दूसरा है हाउ डू आई रीएक्टिवेट, क्योंकि हमने जो है ना वो परमानेंटली स्नैपचैट के अकाउंट को डिलीट करना है। तो हम क्लिक करेंगे हाउ डू आई डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट परमानेंटली, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब हमें तरीका बता रहा है कि स्नैपचैट के अकाउंट को कैसे डिलीट करना है और ये सारा हिसाब किताब हमें बता रहा है। तो यही वो वाली सेटिंग है जिसके जरिए हम अपने स्नैपचैट के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आने के बाद अब आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है हाउ डू आई डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट में। आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये वाला एक ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट पोर्टल, ठीक है, आप लोगों ने अकाउंट पोर्टल के ऊपर कर देना है क्लिक। वेब पर भी आप इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं और मोबाइल पर भी इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अब हमें कह रहा है अपने अकाउंट में लॉगिन करें। याद रखें यहाँ से आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट होगा, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो यहाँ से करना पड़ेगा लॉगिन, यानी कि ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग भूल गए अपने अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड तो फिर आप लोगों को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल पासवर्ड के अलावा आपका अकाउंट डिलीट नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने पासवर्ड लिख दिया। पासवर्ड लिखने के बाद आप लोगों ने करना है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक और यहाँ से सीधा सामने एक ऑप्शन आएगा डिलीट माई अकाउंट, आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है और डिलीट माई अकाउंट कर देना है। तो तब आपका अकाउंट जो है ना परमानेंटली स्नैपचैट का डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने 30 दिन के अंदर अंदर इसको लॉगिन नहीं करना, अगर लॉगिन करेंगे तो फिर आपका अकाउंट परमानेंटली कभी भी डिलीट नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। कोई भी सवाल हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि डेली का घर बैठे आप लोग अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें।